नमस्कार, आप देख रहे हैं कारू न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज बात प्रियंका के उस दांव की जिसे कांग्रेस के लिए 22 में मास्टर कार्ड माना जा रहा है। जब दूसरे दल किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई पर जोर दे रहे हैं, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर प्रियंका ने वो लाइन खींचने की कोशिश की जो दूसरों से अलग हो। प्रियंका खुद महिला है, यूपी में महिला अपराध बड़ा मुद्दा है, लेकिन सियासत में कभी फ्रंट में नहीं रहा। ऐसे में प्रियंका का महिला पर फुल फोकस क्या बता रहा है, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि 403 विधानसभा सीटों वाले राज्य से 2017 विधानसभा चुनाव में 44 महिला विधायक चुनी गई, जिनमें से 37 महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंची थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 महिला सांसद चुनी गई, जिनमें सबसे अधिक 8 बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती थी, जबकि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अपना दल से एक एक महिलाएं लोकसभा पहुंची। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 4 महिला राज्यसभा सांसद हैं, और यह चारों महिला राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनी गई है। प्रियंका गांधी के इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वह 40% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारेंगी ने पूरे यूपी के सभी राजनीतिक दलों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, क्योंकि कोई भी नेता खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता है। हालांकि पार्टियों ने एक चाल जरूर चली और प्रियंका गांधी को जवाब देने के लिए अपने महिला कैडर को आगे खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सूबे में सरकार है, उसकी ओर से प्रियंका गांधी के इस बयान पर किसी भी पुरुष नेता का कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इसे कांग्रेस की शोबाजी जरूर करा दिया है और सवाल तक कर दिया कि हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने आगे आकर प्रियंका गांधी के इस ऐलान पर सवाल उठा दिए और कहा कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं की भागीदारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय से ही निश्चित है और हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं की आवाज उठाती रही है। इन सब से इतर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मजबूत महिला चेहरा और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रियंका गांधी के इस घोषणा पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में होती है तो उसे दलित, पिछड़े और महिलाओं की याद नहीं आती, और अब जब कांग्रेस के बुरे दिन हट नहीं रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में महिलाएं इन्हें याद आ रही हैं। यह पूरी तरह से एक कोरी चुनावी नाटकबाजी है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से यह जरूर हो सकता है कि प्रदेश की महिलाएं इससे प्रभावित हो, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कौन कांग्रेस को इतनी महिला उम्मीदवार जो चुनाव लड़कर जीतने या सामने वाले प्रत्याशी को टक्कर देने की स्थिति में हो, मिलेंगी कहां? अगर मिल भी जाती हैं तो जीत की गारंटी क्या होगी, इस बारे में सोचना पड़ेगा। फिलहाल अभी तो इसी लाइन से लड़ाई का प्लान पार्टियों के पहले से बनाए प्लान को बदलने के लिए मजबूर जरूर कर रहा है। तो किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, देखते रहिए कारू न्यूज।